हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दगड़ों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों इस समय हम हैं गुड़गांव में और आज है संडे। तो अमूमन जो है मेरी जो है शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, तो हालांकि कल ऑफ नहीं था और कभी कभी क्या होता है काम की वजह से तो भाई एडजस्ट करना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, आज है संडे और बस वन नहा लिए हैं और नहा धो के खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था तो बाहर ही जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। ठीक है, और एक बात और है भाई गुड़गांव की, यहाँ जो है खाने के मामले में काफ़ी एक तरह से अच्छे रेट में खाना मिल जाता है बाहर, और साफ़ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा है और जगहों की तुलना में। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जगह गंदा खाना मिलता है, बट काफ़ी जगह मैंने खाना खा के ट्राई किया है, लेकिन यहाँ के खाने में और जगह के खाने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और रेटों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अक्सर अगर आप रोड साइड में चले जाओ, ठीक है, छोटे मोटे रेडों में या इस तरह से टफरी टफरी टाइप के उसमें खाने खाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे बना रहे तो गंदा खाना दे रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सफाई से काम करते हैं ये लोग और काफ़ी मेहनत भी करते हैं, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा। हालांकि आप बड़े बड़े होटलों में बहुत सारे लोग खाना खाने जाते हैं, ये फालतू का पैसा व्यस्त करते हैं, हालांकि अपने अपने शौक़ होते हैं, बट भाई मेरे को जो है पर्सनली ऐसा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो संडे का टाइम है, मार्केट चकाचक भरा ही होगा और इन लोगों की भाई संडे के दिन जो है काफ़ी अच्छी बिक्री होती है। चलो दस मिनट सीधे चलते हैं नाश्ता करने के लिए, आपको भी दिखाता हूँ मैं आज मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाला हूँ। ये होते हुए रोड साइड फूड कॉर्नर, काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना मिलता है भाई इनमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंड है भाई इन फूड कॉर्नरों में। बटोरे बना रहे हैं भाई, ये इनकी बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे ऐसे बैठ जाओ आराम से खाओ। ठीक है, नो टेंशन। इस साइड में भाई पूरा ही सिटकुल का एरिया है, सारी आपको इधर कंपनियाँ ही कंपनियाँ दिखाई देंगी, और यही सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे लोगों को खाने के आने का। ठीक है, सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले मजदूर यहाँ काम करते हैं और किफ़ायती रेटों में उनको यहीं खाना मिलता है भाई, तो सब लंच करने डिनर करने ब्रेकफास्ट करने ज़्यादातर इन्हीं कॉर्नरों पे आते हैं, और काफ़ी बड़ा बिजनेस है ये गुड़गांव मानेश्वर का। इस तरह के इसके कॉर्नर आपको अमूमन मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किया इन लोगों ने इसमें। लग चुका है भाई मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें एक नान खाऊंगा मैं और थोड़ा सा चावल खाऊंगा, ये मेरा नान ही आ गया भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना होता है भाई, मेरे को तो अमूमन काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगता है। मस्त तीन सब्जियाँ हैं, मटर है और दाल है, चावल भी ले सकते हो। और ये है भैया लस्सी, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी टेस्टी भी होती है, काफ़ी अच्छे ढंग से बनाते हैं लोग। तो ये है मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट, ठीक है, साइड कॉर्नर फूड पार्क से भाई। थोड़ा सा मैंने लास्ट में चावल भी लिए और काफ़ी टेस्टी खाना लगा भाई। मैं काफ़ी बार यहाँ खाने के लिए आता हूँ, यही है मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट। यही हो गया मेरा ब्रेकफास्ट पूरा, और लस्सी काफ़ी अच्छी लगी, एक और मंगा लिया भाई। हो गया है ब्रेकफास्ट और भाई काफ़ी टेस्ट लगा, और किस प्रकार का भाई फूड कॉर्नर है पीछे देख ही रहे हो सारे हैं यहाँ। ठीक है, और काफ़ी बड़ा बिजनेस है जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया है गुड़गांव का, और
काफ़ी सफाई से भी ये लोग खाना देते हैं भाई। अब तो काफ़ी सुधार हो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंड है इन पे भाई, ठीक है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो हमेशा इनके साथ इज्जत से बात करें। और मतलब काफ़ी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार बेकार चीज़ें यूज़ करते हैं तो बोलने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी न करें। इज्जत से रोटी कमाते हैं, इज्जत से खाते हैं भाई ये लोग, ठीक है। बाकी रोड साइड तो भाई गुड़गांव की मार्केट है तो ऑब्वियसली चकाचक भरे रहेंगे, ठीक है। और इस साइड में पूरी इंडस्ट्री है भाई, पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ जो है दूसरे साइड में रिहायशी है, बट इस साइड में पूरी इंडस्ट्री है। बात तभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया, जो खाना मैंने आज खाया सुबह आपने देखा ही, तो वो खाया मैंने 70 रुपये का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर यही खाना आप किसी होटल में जाके खाओ ना तो 700-800 रुपये भी आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये पैसा बचाने का काफ़ी अच्छा तरीका है ये, ठीक है। आप इस तरह से जब भी आपका खाना बनाने का घर में मन नहीं कर रहा है, बाहर खाने का मन कर रहा है, तो इन लोगों के यहाँ खा सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप खा सकते हो, तो मतलब वेज झिझक खा सकते हो। और अब मेरा कुछ अमरूद लेने का प्लान बन रहा है, तो देखते हैं। ये भाई अमरूद ताजे ताजे सुबह सुबह के। अरे भाई साहब हाय करो, हाय कौन है भैया? 40 रुपये किलो अमरूद है भैया, पपीते भी है लेकिन मेरे ले रहे अमरूद। तो ले चुका हूँ मैं अमरूद, और मेरा आज सुबह का जो रूटीन है लगभग मेरा यही रूटीन रहता है आप लोगों के साथ शेयर किया। छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो आपको। अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आप भाई सुबह। बाय बाय दगड़ियों।